सेना नमक इश्क में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। युग ने बड़ी ही चलाकी से चमचमियानी की कहानी को फंसा दिया है ड्रग्स मामले में। कहानी को पुलिस अपने साथ पकड़ कर लेके चली गई है और रौनक भी इस मामले से दूर है। वो सोच रहा है कि अगर इस मामले में फंसेगा तो 14 साल की जेल हो सकती है, इसलिए वो कहानी को बचाने नहीं जाता है सामने। अब ऐसे में जब युग की मेहंदी की रस्म चल रही है, उसी वक्त पुलिस आ जाती है और कहती है कि युग को गिरफ्तार करना होगा। इस बार सभी परिवार वाले सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि युग ने ऐसा किया क्या है कि आप उसे गिरफ्तार करने यहाँ आ गए हैं। तब पुलिस बताता है कि युग जो है वो ड्रग्स मामले में उन्हें हमारे साथ चलना होगा। अब जो है इरावती वो कहती हैं कि कौन है, कौन इस शहर में है जो मेरे दामाद को यहाँ से मेहंदी की रस्म से ले जाना चाहता है। तब कहानी को सामने लाती है पुलिस और कहती है कि इसने गवाही दी है कि ये इसका साथी है। अब जो है कहानी को एक जोरदार थप्पड़ इरावती मारती हैं और कहती हैं कि ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे। कहानी जो है सबके सामने बताती है कि इन्होंने ही मुझे ड्रग्स मामले में फंसाया है, इन्होंने ही ड्रग्स की पुड़िया मेरे कपड़े में इन्होंने लगा दी थी। लेकिन अब कहानी की बात कोई नहीं मान रहा है। वहाँ मौजूद गेस्ट ये कहते हैं कि कोई भी लड़की किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देगी, आप उसे पकड़ने आ जाएंगे। यहाँ पर युग भी कहता है कि क्या मैं अपनी माँ को ये कह दूँ कि इन्होंने ऐसा किया है तो क्या आप इन्हें पकड़ लेंगे। भैया को कह दूँ कि क्या ये शहर छोड़कर कहानी के साथ भाग रहे थे तो आप मान लोगे। इसके साथ कहानी को लोग पकड़ के ले तो ज़रूर जाते हैं फिर से, और युग घर पे ही रहता है। और अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में यानी कि सोमवार को आप देखने वाले हैं जब पुलिस कहानी को अपने साथ फिर से पुलिस स्टेशन ले जा रही होगी, तभी बीच रास्ते में एक मास्क लगाए हुआ आदमी आएगा जो कि पुलिस की गाड़ी को रोकेगा और कुछ धुआं की तरह वहाँ सबके ऊपर डालेगा और चमचम को अपने साथ घसीटते हुए लेकर जाएगा, यानी कि चमचम को भगाएगा वहाँ से। कौन है ये मास्क वाला आदमी? क्या ये रौनक है? क्योंकि ये मास्क वाले आदमी का हुलिया बिल्कुल रौनक के जैसे है, लेकिन रौनक कहानी को पुलिस से भगाकर लेकर जा रहा है और कहानी नहीं जाना चाह रही। देखना दिलचस्प होता है कि आखिर ये मास्क मैन जो है वो सचमुच रौनक है या फिर ये युग है जो कि रौनक का वेस्ट लिए हुए है। जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।